चलिए मई 2024 के सीएफ फाइनल के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने बात करी, ऑडिट से रिलेटेड आप ओल्ड कोर्स में पढ़ चुके हो, कैसे आपको न्यू कोर्स के लिए तैयारी करना है, उससे रिलेटेड एक और अपडेट है जो मैं एंड ऑफ द वीडियो में शेयर करूंगा। ये वीडियो हालांकि बनाया है सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल और इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशंस के पेपर के लिए। इन पेपर को कैसे तैयार करना है, इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, इंस्टीट्यूट का क्या मटेरियल एक्सपेक्टेड है, कब तक एक्सपेक्टेड है और हमारा प्लान ऑफ एक्शन अभी से क्या होना चाहिए। पहले सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल की बात करते हैं। इंस्टीट्यूट ने जो ट्रांजिशन स्कीम या सिलेबस और दूसरे कंटेंट दिए थे उसमें से रेलेवेंट पोर्शन जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के लिए मुझे काम का लगा वो एक्सट्रैक्ट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। पहले इन्होंने कहा है कि सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल ऑनलाइन मॉड्यूल्स होंगे जो आप इंटरमीडिएट एग्जाम पास करने के बाद ही दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑलरेडी इंटर पास हैं एज ऑफ टुडे तो उस केस में आपको सेट सी और डी देना ही नहीं है, यानी हर सीए फाइनल का स्टूडेंट जो ऑलरेडी सीए फाइनल में उसके लिए सेट ए और बी ही रेलिवेंट है, सी और डी देना ही नहीं। उसमें भी अगर आप ग्रुप वन क्लियर कर चुके हो तो सेट ए एग्जाम्प्ट है, ग्रुप टू क्लियर कर चुके हो तो सेट बी एग्जाम्प्ट है, ऑलरेडी कर चुके हो या नवंबर 2023 के एग्जाम में क्लियर करोगे तो भी। नॉर्मली आपको सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल आपकी एग्जाम होने से पहले देना है और पास करना है। एक्सेप्शन है मई 2024 जहाँ पे आप एग्जाम के बाद और मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले यानी कि ड्यूरिंग योर रिजल्ट अवेटिंग पीरियड भी आप उसे देके उसको क्लियर कर सकते हो। हालांकि क्योंकि इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन में ये दो सेट ए और सेट बी के जो पेपर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो एक क्रिटिकल मैटर है डिस्कशन का जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। 7th पॉइंट कहता है कि सीए फाइनल कोर्स स्टूडेंट अनसक्सेसफुल इन एग्जिस्टिंग स्कीम will appear in May 2024 exams under the new scheme after automatic conversion। Automatic conversion कब होगा? जब रिजल्ट्स आ जाएंगे आपके नवंबर 23 के उसके बाद। अभी आप अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं दिखेगा, आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। ये ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स के लिए they may qualify for self paced online modules at A or B after passing May 2024 exam but before applying for membership as I just told you but if you are unsuccessful in May 2024 कैसी बातें कर रहे हो then you will be eligible for examination only after qualifying self paced module सेट ए एंड सेट बी। इसका मतलब उस केस में आपको इफेक्टिवली स्पीकिंग नवंबर 24 से पहले क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। लर्निंग कैसे होगी? इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हम ई बुक्स देंगे, सेट ए और बी के लिए फिजिकल बुक्स देंगे और ई बुक्स के अलावा वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे एक्सपर्ट के जो स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो। अब एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट मिनिमम प्रिस्क्राइब लर्निंग आवर्स फॉर ईच सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल फॉर बीइंग एलिजिबल टू अपीयर फॉर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। नॉर्मली मेंबर्स को इस तरह की जो एग्जाम्स होती है उसमें कंडीशन ऐसे डालते हैं कि लेट्स से 50 आवर्स के वीडियो हैं तो बोलेंगे भाई 40 आवर्स आपको मिनिमम देखना है, उसके बाद ही आप एग्जाम्स अपीयर कर पाओगे, यानी इंस्टीट्यूट ट्रैक करेगा आपने कितना देखा है। और ये क्रिटिकल मैटर है कि इसका मतलब इंस्टीट्यूट के प्रोवाइडेड वीडियोस देखना पड़ेंगे। कब तक देने वाले हैं? अभी तक इसका कोई ऑफिशियल पब्लिकेशन नहीं है बट आप एक्सपेक्ट करो कि मे बी इन अ मंथ और नियर अबाउट दैट टाइम यू शुड गेट वीडियोस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर इट। दिस जस्ट माय अंडरस्टैंडिंग। ये सारी जो भी कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दिस इज टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन एज पर द एक्सप्लेनेशंस गिवन टू मी। रिक्वायरमेंट क्या है? 50% मार्क्स लाने हैं तो आप क्लियर करेंगे पर देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर ईच मॉड्यूल। अब एग्जाम कैसी होगी? ऑनलाइन ही होना चाहिए क्योंकि ये सेल्फ पेस्ड है, आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, अपने हिसाब से एग्जाम दे रहे हो तो पॉसिबल ऑनलाइन मोड में ही होना चाहिए। क्या ये प्योर एमसीक्यू बेस्ड होगी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो देख के लगता है कि शायद ये एमसीक्यू बेस्ड ही पूरी तरह से होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट शायद नहीं होना चाहिए मोस्टली। अगेन दैट्स माई गेस। और इसके जो भी मार्क्स है वो आपके एज सच फाइनल की मार्कशीट में आएंगे या फाइनल के मार्क्स के साथ क्लब होंगे, ओवरऑल परसेंटेज को अफेक्ट करेंगे ऐसा जरा भी। अब इन सबके बेसिस पे माय कंक्लूजन इज नंबर 1 सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के लिए इंस्टीट्यूट आपको कंटेंट देगा जो आपको देखना पड़ेगा तभी आप एग्जाम दे पाओगे। वो कंटेंट कितना सॉलिड होगा, कितना रिलायबल होगा, लेट्स नॉट स्पेकुलेट ऑन दैट बट फॉर श्योर क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है और अगर ये एमसीक्यू बेस्ड प्योरली हुआ घर से दे रहे हैं, नॉट टू से दैट वी विल बी एबल टू चीट बट स्टिल बिकॉज ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर इट शुड नॉट बी रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। बट द बिगर प्रॉब्लम इज नॉट दिस, द बिगर प्रॉब्लम इज इन द इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन पेपर। और अब इसको समझते हैं, फिर मैं आपको मेरा सजेशन दूंगा आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए इस पूरी चीज़ को। इंस्टीट्यूट ने इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन के पेपर को फाइनल के सिलेबस में समझाया कि ऑब्जेक्टिव है कि आप एनालाइज और इंटीग्रेट कर सको कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स, कॉर्पोरेट लॉ, सेट ए, फाइनेंस एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी and management. This business strategy and management is more to do with cost management. In fact, नाम में भी दिया हुआ है strategic management SCMP. Set B to address issue in practical case scenarios, which will entirely be a case study based and would assess integrated knowledge of following subjects. And these are the subjects which it is going to assess, which is nothing but आपके जो 5 पेपर है IBS छोड़ के plus Set A और Set B. IBS के जो क्वेश्चन पेपर्स आएंगे उसके बेसिस पर मैं आपको समझाता हूं कि होगा क्या। इंस्टीट्यूट ने अभी फ़िलहाल के लिए क्या किया है, आप वेबसाइट पर जाएंगे, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत इफ़ यू सी द स्टडी मटेरियल एंड द न्यू स्कीम फाइनल में, एंड व्हेन यू गो टू इंग्लिश मीडियम फॉर द मोमेंट एंड देन व्हेन यू गो टू पेपर 6 यू विल फाइंड इंस्टीट्यूट हैज़ गिवन सम केस स्टडीज़ फॉर द मोमेंट, और कुछ 8 केस स्टडीज इंस्टीट्यूट ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका है और धीरे धीरे और केस स्टडीज आने वाली हैं इसमें। ये एक आपको आइडिया देगी, अगर आप अभी ये केस स्टडी देखोगे तो ये सारी की सारी केस स्टडीज एग्जाम में 25 मार्क की केस स्टडी बन के आने जैसी केस स्टडी है, जिसमें 10 मार्क के आपके एमसीक्यूज और 15 मार्क के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। ये सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ, अगर आपको इसको प्रिपेयर करना है आप कुछ भी मत करिए, इंस्टीट्यूट की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की वेबसाइट पर ये आपकी केस स्टडीज़ है 8, आप चाह के इन केस स्टडीज़ को रेफ़र कर सकते हो जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ द पैटर्न। बट ये पूरा पेपर मेरे हिसाब से, मेरा गैस है किसके जैसा होना चाहिए, पेपर 6F ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑल द ओल्ड कोर्स, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी जैसा। इसमें एग्जैक्टली ऐसा ही होता था, ये जो आपका इलेक्टिव पेपर होता था। अगर आप इसके क्वेश्चन देखोगे तो प्रमानली आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे और उसे क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा जो GST रिलेटेड होगा, एक इनकम टैक्स रिलेटेड होगा, एक FR रिलेटेड होगा, एक ऑडिट रिलेटेड होगा, एक मे बी कॉस्टिंग रिलेटेड, और ऐसे वेरिएशंस आते हैं। 5 एमसीक्यूज आते हैं और फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 5 मार्क के या 7 और 8 मार्क के, इस तरह के 2 क्वेश्चन। 6 केस स्टडीज आती है, आपको 5 अटेम्प्ट करना पड़ती है। मेरे हिसाब से आपको ये पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन पेपर तैयार करना है तो इंस्टीट्यूट की गिवन केस स्टडीज़ प्लस जितने भी आपके पास MDPs के पेपर हैं, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर जो शायद ही कोई ऑप्ट करता होगा बट इंस्टीट्यूट रखता था, आप वो उठा लीजिए और इससे आपका IBS तैयार हो जाएगा। अब हमें कितनी मेहनत करना है और कैसे प्लान करना है इन सब की पढ़ाई, और क्या मुझे सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स के लिए क्लासेस लेके पढ़ने की कोई ज़रूरत है। नंबर 1, पेपर 6 क्लियर करने के लिए आपको सेट ए और बी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज लेने के लिए कहीं ना कहीं ईदर यू शुड बी एबल टू स्टडी ऑन योर ओन और गेट सम पावर पैक काइंड ऑफ लेक्चर्स, जिससे आप क्विकली पूरे के पूरे कंटेंट को कवर कर सको, लॉजिकली समझने वाले लेक्चर्स। क्योंकि आपको एग्जाम में कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखना है तो परेशानी नहीं है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है तो आपके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में आंसर लिखना। लॉजिकल जो MCQs आपके होंगे उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो आपको परसेंटेज को अफेक्ट करेंगे, आपकी रैंक की प्रोबेबिलिटी को कम ज़्यादा करेंगे। इस कारण से आपको आइडियली स्पीकिंग सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के लिए किसी प्रकार के एक्सपर्ट लेक्चर्स लेना चाहिए, या अगर आप लगता है सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो आपको उसकी तैयारी प्रॉपरली और सीरियसली करना चाहिए, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। डरना नहीं है ज़रा भी, इनफैक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग 2-3 अटेम्प्ट होने के बाद ये पेपर अपने आप में, मुझे ऐसा प्रेडिक्शन है कि ये बहुत डाइल्यूट और ईजी लगने लगेगा, क्योंकि ओपन बुक है। और अगर इंस्टीट्यूट ने जैसा इलेक्टिव में पहले होता था रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो किया तो इट इज़ नॉट रियली समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्रिएट टू मच ऑफ एन इशू। बट अगर इसके पेपर इंस्टीट्यूट ने नए लेवल के बनाए, रिपीट पेपर्स नहीं पूछे, देन दिस इज गोइंग टू बी रियल ट्रिकी पेपर टू क्लियर। बट एटलीस्ट वी गो विद द फिलोसॉफी ऑफ प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो अभी के लिए आपको इसे सीरियसली कंसिडर करना चाहिए एटलीस्ट फॉर द कमिंग 1 ईयर और 2024 में नवंबर एग्जाम। Sincerely, I should say, not see. तो इसके लिए क्या करना चाहिए सेट ए और बी के लिए? यू गेट सम एक्सपर्ट एडवाइस। आप एक तरीका ये है कि इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स के लिए रुक सकते हो, वो सफिशियंट है तो वी जस्ट फोकस ऑन दैट, क्योंकि ऐसे भी अभी सेल्फ पेस्ड पढ़ना जरूरी नहीं है तो अपन उतना वेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी मुझे वो लेक्चर्स टू सम एक्सटेंट तो कवर करना ही पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल टू अपियर फॉर दी। उसकी इफेक्टिवनेस क्या आएगी, आई एम नॉट स्पेकुलेटिंग ऑन दैट एज आई सेड अर्लियर, बट येस वो एक तरीका हो सकता है कि वो कर लिया, एक बेसिक आइडिया हो गया, उसमें एक आइडिया मिल गया, देन यूट्यूब के थ्रू मुझे कुछ एक रिविजन इनफैक्ट एक गाइडेंस वीडियो मिल जाएंगे कि क्या मटेरियल लेके जाना चाहिए, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड मार्क करी हुई मिल जाएं। अगर मुझे इंस्टीट्यूट ने सेट ए और बी का मटेरियल पब्लिश किया, उसमें मेरे पास अगर एक कोई ऑनलाइन ऐसी मटेरियल कंटेंट तैयार हो जाए जिसमें सब कुछ प्रॉपरली इंडेक्सड और मार्क्ड हो कि मैं उसी का प्रिंट आउट निकाल के ले जा सकूँ, तो आई थिंक वो अपने आप में एक हैंडी सोल्यूशन हो। और ये सब सेट ए और बी क्लियर करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन के पेपर में इसके जो क्वेश्चन आएंगे उसको हैंडल करने के। तो उस सेंस में द फाइनल माई सजेशन वुड बी ए सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल को हमें सिंसियरली लेना है बट टेंशन नहीं लेना है। अभी के लिए एटलीस्ट वी शुड बी सिंसियर, ओवर अ पीरियड दिस शुड डाइल्यूट। Should I need to take lectures immediately? I think we can wait for a month and look at the institute lectures. If you're really time bound, then you can go for right away and take some power pack classes so that आप concept oriented classes cover कर सको, theory मत करने की जरूरत जरा भी नहीं होगी। और practice के लिए आपको क्या करना चाहिए? You should basically not for self paced module but for IBS go with the institute case studies and MDP के जितने भी past papers। ICAI की वेबसाइट पे थैंकफुली आज की तारीख में ये सब डाउनलोड करके आपके साथ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दीज पर्टिकुलर पेपर्स विथ यू इन द टेलीग्राम चैनल, ताकि क्या हो सके ये जितने भी आपके पेपर है MDP के ये अभी आप एक्सेस कर सके। बिकॉज यू डोंट नो इंस्टीट्यूट कब इसको हटा दिया, एक्सेस नहीं हटाना चाहिए पर अब क्योंकि ओल्ड कोर्स हट चुका है तो रियली इंस्टीट्यूट को रखने का कितना सेंस होगा कितने समय तक वी डोंट नो। तो ये यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में फाइनल में यू गो टू 6F मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पेपर, जैसे मैं MDP कह रहा था आपको मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर, और इसके अंदर यू कैन फाइंड ऑल दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो ये बेसिकली अपना तरीका होना चाहिए दोस्तों, किस तरह से हमें हैंडल करना है। नो पैनिक इज रिक्वायर्ड, यू कैन वेट फॉर सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल फॉर अ मंथ्स टाइम, सी द इंस्टीट्यूट लेक्चर्स देन डिसाइड व्हाट टू डू, बट वी विल हैव टू बी सिंसियरली प्रिपेयरिंग फॉर दीज टू पेपर्स। वी कैन नॉट इग्नोर देम, वी डोंट हैव टू मग अप इट्स थ्योरी एज सच, हमें वो याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओपन बुक में आएगा। हम ये तैयार सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल क्लियर करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंटली IBS अच्छे से सॉल्व करने के लिए और हमारी रैंक की या फर्स्ट अटेम्प्ट या मार्क्स की प्रोबेबिलिटी, अच्छी मार्क्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए करेंगे। IBS की तैयारी अलग से नहीं करना है, सारे पेपर पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है, इंस्टीट्यूट की केस स्टडीज और 6F पेपर के पुराने क्वेश्चन पेपर्स, दैट शुड बी सफिशिएंट। अब एक आखिरी छोटी सी चीज़ मुझे आपको बतानी थी, दैट वॉज विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट। What the institute has done, in fact कल मैंने आपके साथ जो शेयर किया था ऑडिट के पेपर से रिलेटेड, ओल्ड कोर्स में किया तो न्यू कोर्स में आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, उसमें एक कंटेंट अपन ने एसेज का डिस्कशन किया था कि एसेज में हमें कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्या पूरे कवर करना है सिर्फ ICAI के स्टडी मटेरियल। मैंने बोला था इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि भैया आपको एसेज पूरे कोर्स में है, सब कुछ कवर करना है, बस इंटरमीडिएट बेस में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी नहीं आएंगे, और कंटेंट सिर्फ ICAI के मॉड्यूल जितना है उतना ही नहीं है, उसके बियॉन्ड भी आ सकता है। मैंने बताया था किताब में हमने पूरे ICAI के कंटेंट को शामिल किया है, जस्ट दैट जो एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने जो ICAI के मटेरियल में नहीं है पर एसेज से इंपॉर्टेंट या पास्ट एग्जाम क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट समझ के मैंने ऐड किया, उस पर रेड ब्रैकेट किताब में ब्रह्मास्त्र में दे दिया। जस्ट टू सब्सटैंशिएट दैट पर्टिकुलर फैक्ट व्हाट आई हैड टू शेयर इज इंस्टीट्यूट ने क्या किया है। अब इन दिस पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट में ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस इज़ बेसिकली द न्यू पोर्टल। अगर आप इंस्टीट्यूट के सिलेबस पे जाएंगे विच असेंशियली मीन्स व्हाट, तो लेट्स गो टू ICAI.org, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, स्टडी मटीरियल, फाइनल कोर्स, एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। आप यहाँ पे देखेंगे तो देयर हैज़ बीन अ चेंज जो पहले नहीं था। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स का लिंक डाल दिया। इसका मॉड्यूल आपको नहीं मिलेगा बट ये प्रोनाउंसमेंट्स का लिंक डाल दिया है, विच इज़ नथिंग बट वन इंडिकेशन कि एक तरह से इंस्टीट्यूट ने बोल दिया भैया कि ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में, और जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने ओरिजिनली कहा था कि भाई IPCC इंटरमीडिएट बेस्ड है जैसे ऐसे 230, 200 वो सब भी यहाँ पे उसके लिंक हैं। इसका मतलब ये सब आपके सिलेबस में है, तो वो सारी कायवाद और अटकलें जो थी कि भैया स्टडी मटेरियल में जो दिया है बस उतना ही पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सर क्यों बोल रहे हो पढ़ना है, वो सब क्लियर हो जाती है बिकॉज वी वर ऑलरेडी अवेयर कि ऐसा होने वाला है और आप देख सकते हो वैसा हो चुका है। तो इस तरह से 3 पेपर की पूरी गाइडेंस आपके पास आ गई, IBS, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स एंड ऑडिट। अब रिविजन की बारी है दोस्तों, तो नाउ वी आर गोइंग टू कम अप विद रिविजन वीडियोज़ फॉर योर May 24। लेकिन उससे पहले FR के पेपर में बहुत सारी जो गलतियाँ थी उससे रिलेटेड एक मेल हमें लिखना है, उसका मैं एक आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। क्या मेल आपको लिखना चाहिए आइडियली, वो आप ड्राफ्ट करके शेयर करेंगे, इंस्टीट्यूट के साथ हाईलाइट करेंगे। एक बात मैं कह सकता हूं, अगर एफआर के पेपर आपके नवंबर 23 के बिगड़े हैं, स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द एफआर पेपर, यू बी आई मीन दैट्स नॉट आइडियली थिंग टू बी सेड, बट यस, जितनी गलतियां पेपर में या एम्बिग्विटीज या यू कह लीजिए मिस इन्फॉर्मेशन, इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन पेपर में दी है, उसके हिसाब से देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि इस बार एक बहुत बड़ी ग्रेस एफआर के पेपर में एक्सपेक्टेड होना चाहिए। थैंक यू।